एमसीएच के शिशु विभाग में शुक्रवार की शाम तक 7 नए मरीजों को भर्ती किया गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार पिछले 24 घंटों में 28 बच्चों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। उधर विभिन्न वार्डों में वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित बच्चों का उपचार चल रहा था। अधिकांश शिशु बुखार व सांस रोग से ग्रस्त है। चिकित्सकों के अनुसार स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। धूप खिलने के बाद वायरल इन्फेक्शन में कमी आने की संभावना है। उधर सामान्य वार्ड के अलावा पीकू, नीकू, एनआरसी व एईएएस में मां बच्चों को गोदी में लेकर निम्बुलाइजर से भाप देते नजर आ रहे थे। आपातकालीन विभाग में उस भरी गर्मी में मां बच्चों को पंखा चल रही थी। सीलिंग फैन से किसी प्रकार की राहत महसूस नहीं हो रही है। आपातकालीन विभाग में इकलौते जूनियर चिकित्सक शिशु को परामर्श दे रहे थे, जबकि बगल का पीओडी का चैम्बर खाली पड़ा था। कर्मी से पूछने पर बताया कि डॉक्टर साहब वार्ड में राउंड दे रहे हैं। इस बात पर जब मरीजों से जानकारी ली गई तो बताया कि कई घंटा से यह कमरा खाली पड़ा है, यहाँ कोई भी चिकित्सक नहीं बैठते। केवल डॉक्टर का फीस व बेड चार्ज नहीं लगता, बाकी दवा व जांच बाहर से करानी पड़ती है। वार्डों में इलाजरत अधिकांश परिजन का शिकायत था कि यहाँ केवल डॉक्टर का फीस व बेड चार्ज नहीं लगता है, बाकी सभी कार्य बाहर से कराने पड़ते हैं। सरकारी अस्पताल होते हुए भी दवा, निम्बुलाइजर, जांच आदि के लिए बाहर जाना पड़ता है। सुधार नहीं हुआ बच्चा तो दवा वो मिल रहा है, डॉक्टर साहब आते हैं सही टाइम पे? कहाँ से आए आप? कहाँ से? गोरियारी से आए हुए। बच्चा को सही से इलाज मिल रहा है? मिल रहा है, सुधार है बच्चा में? डॉक्टर लोग आते हैं यहाँ पर? हाँ, डॉक्टर आते हैं, तीन टाइम आवे छे डॉक्टर, भोर, सांझ, दोपहर, तीन टाइम आते हैं। दवा वा मिल रहा? हाँ, आधा अंदर के मिले ज्यादा बाहर। बच्चा का क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है? यानी बुखार। कब से बुखार लग रहा है? बुखार 10 दिना 12-13 दिना भए गेल। सुधार है कुछ? हाँ, कुछ सुधार छे। इस वायरल फीवर से किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है। अस्पताल में अनेकों बच्चे भर्ती होते हैं, दूसरे दूसरे बीमारी से गंभीर अवस्था में आते हैं, उसमें जो बच्चे सीरियस होते हैं या ना इलाज रहते हैं उनकी मौत हो सकती है, लेकिन इस बीमारी से किसी की मौत नहीं हुई है। यह बच्चे आए हैं बहुत सारे और बहुत डिस्चार्ज हो भी गए हैं और 4 से 5 दिन में स्वस्थ होकर लौट जाते हैं। हर साल इस टाइप के बच्चे हमारे पास आते हैं। जाड़ा के मौसम में और बरसात के मौसम में इसे हम लोग ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। यह बहुत, इसमें रिकवरी का चांसेस बहुत ज़्यादा है, 95-96% रिकवरी होता है। 4 से 5 दिन का स्टे होता है। इस बार क्योंकि इसको लोग पैनिक हैवॉक इसलिए बना दिया गया था कि कोरोना का माहौल है, लेकिन हमने 54 लाख बच्चे का जाँच कराया, किसी को भी कोरोना नहीं आया। इसलिए मरीजों को आश्वस्त कर दिया जाए, गार्जियन को, कि कोई डरने की बात नहीं है, यह बहुत माइल्ड केसेज है, वायरल फीवर है, जो 4 से 5 दिन में आपके बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे और घर लौट रहे हैं। सर, वहाँ पर बोला गया है एक बेड पर 3-3 बच्चे को एडमिट किया गया। मरीजों की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो हमें इलाज करना है, उसमें यदि हमको 2 बच्चे कभी कभी रखना पड़ सकता है, इलाज तो करना ही है, उन्हें वापस तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जान बचाना मेरा प्रायोरिटी है। क्योंकि हम बेड खोजे तो मालूम हुआ कि बच्चा का इलाज नहीं होगा, इसीलिए हम उस टाइम में जब हमारे पास अभी बेड की कमी नहीं रह गई है, मैं 12 बेड और अरेंज करके अभी आया हूँ। पीछे में नया मकान में बेड फंक्शनिंग हो गया मेरा, इसलिए किसी को जगह का भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कभी यदि बहुत ज़्यादा मरीज आ जाएंगे तो उसे 2 या 3 रख करके भी इलाज करके ठीक करके भेजना है, मेरा कर्तव्य है। तैयारी पूरा है सर? तैयारी पूरी है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।